गर्रा रेलवे पुल के पास दूध के टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लालबरा तहसील के चिल्लोद के पात्री खैरटोला निवासी उदयलाल शरणागत उम्र 41 वर्ष की हुई मौत। बालाघाट नैनपुर रोड पर धापेवाड़ा गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से धापेवाड़ा निवासी इरफान खान उम्र 46 वर्ष की हुई मौत। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने 2 घंटे तक किया चक्का जाम, प्रशासन की समझाइश पर समाप्त किया चक्का जाम। तीस जनवरी को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 150 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जिले के भीतर 476 मरीजों का चल रहा इलाज। पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान शहर के वार्ड नंबर 3 में ठेकेदार के द्वारा खोद दी गई सड़क 1 महीने से नहीं करवाया गया मरम्मत का कार्य, स्थानीय जनों ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 1 फरवरी से 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगे 1 से 12 तक के स्कूल। छात्रों और उनके परिजनों ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल जाने से किया इनकार। नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पत्रकारों से की औपचारिक चर्चा। जिले के भीतर लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही नक्सल गतिविधि को बताया अतिरिक्त चैलेंज। बैयर थाना के अंतर्गत मलाजखंड रोड बिरवा में पिकअप की ठोकर से 65 वर्षीय वृद्ध देवी सिंह यादव हुए घायल, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। वन एट वन पर शिकायत के बाद लालबर्रा के वार्ड नंबर 10 बालाघाट सिवनी मार्ग पर महीनों से बंद पड़ी नाली की बीओटी और पंचायत के द्वारा करवाई जा रही सफाई। गंदे पानी से राहगीर और स्थानीय जनों को मिलेगी निजात। लालबरा क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों की बड़ी संख्या, रोजगार नहीं मिलने से परेशान हो रहे युवा। बढ़ती बेरोजगारी पर युवा सरकार खत्म कर रहे नौकरी, समाप्त होते जा रहे हैं रोजगार। एक फरवरी से कांग्रेस के द्वारा शुरू किया जा रहा है घर चलो घर घर चलो अभियान। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबरा के आयोजित की गई बैठक, बनाई गई कार्यक्रम को लेकर रणनीति। वैनगंगा पुल गर्रा में दूध के टैंकर की टक्कर से लालबरा तहसील चिल्लोद निवासी 41 वर्षीय उदयलाल शरणागत की हुई मौत। मध्य प्रदेश शासन के नए आदेश के बाद नगरपालिका नगर पंचायतों की तर्ज पर पंचायतों में रहने वाले लोगों पर भी बढ़ेगा टैक्स का बोझ। स्वच्छता से लेकर जलकर, संपत्ति कर और मकान बनाने की लेनी होगी अनुमति।